हम बनाने जा रहे हैं चिकन राइस, जिसके लिए मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए इसमें हम 1/2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 लेमन का रस निचोड़ देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अब हमने 1 किलो बासमती राइस ले लिया है, जिसे हम अच्छे से भिगा के आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब मैंने इसे भिगा दिया है, अब आगे का प्रोसीजर देखते हैं। हमें गरम मसाले में तड़का देने के लिए लगेगा 1/2 टेबल स्पून जीरा, 4 से 5 लवंग, 4 से 5 काली मिरी, 3 इलायची, 3 तेज पत्ता और दालचीनी के टुकड़े। और मसाले तैयार करने के लिए 6 से 7 हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक और लहसुन की कलियाँ लगेंगी। इसे सब हम पीस के पेस्ट बना लेंगे। और 4 मैंने कांदे चॉप किए हुए ले लिए हैं, 3 टमाटो चॉप किए हुए ले लिए हैं। बर्तन चढ़ा दिया है मैंने, उसमें 4 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छे से तेल गरम होने के बाद उसमें हम सारे अखे मसाले डालेंगे और मसालों को अच्छे से तड़कने देंगे। जब मसाले अच्छे से तड़क जाए, तब हम उसमें हमारे चॉप किए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मसाले तड़क गए हैं, अब इसमें हम चॉप किए हुए ऑनियन को फ्राई करेंगे। ऑनियन डालना है और उसे अच्छी तरह से भुनना है। हमें हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, जिससे कि कांदे जल सकते हैं। हमें मीडियम फ्लेम पे रखकर कांदों को भूनते रहना है। और कांदे अच्छी तरह से भुने जाने के लिए उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, जिससे हमारे कांदे जल्दी से भुने जाते हैं। देखिए, हमारे कांदे भुने गए हैं। अब इसमें हम हमारे चॉप किए हुए टमाटो को डालेंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट पकाएंगे, जिससे वो अच्छी तरह मिक्स कर कर हम उसे ढक कर रख देंगे 2 मिनट के लिए, जिससे वो अच्छी तरह से गल जाएंगे।
उसके बाद हमारे मसाले पके होंगे। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, उसमें तेल छोड़ दिया है। अब हम उसे अच्छे से चला के उसमें भिगाए हुए चावल डालेंगे।